तो चलो प्यार बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे बेसिकली इसमें क्या क्या है प्रॉब्लम कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री। अब मतलब अगर मैं यहाँ से एक बॉल, एक बच्चा है यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल फेंकता है और ये वाली जो एंगल है थीटा वो है 30 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ से जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 cos 30 और वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से 10 sin 30, ठीक है ना। और यहाँ से अब 10 sin 30 वर्टिकल वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर नीचे जाएगा और हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। तो ये कहते हैं कि अगर ये ग्राउंड को टच करता है तो ये वाली जो ग्राउंड को मान लो टच किया तो रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, रेंज की वैल्यू कितनी है 17.3 मीटर, ठीक है। तो एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस में कितना है 0 और ये वाली वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहती है ना भाई, ये वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होती है। तो अगर ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है ये वाली ठीक है जो हॉरिजेंटल है 10 cos 30, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़े होंगे रेंज s इज इक्वल टू ut लगा देता हूँ, रेंज की इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में टाइम अप्लाइड s इज इक्वल टू ut लगा दिए क्योंकि एक्सलेशन 0 है एक्स एक्सिस में। तो रेंज है 17 पॉइंट यहाँ से 3 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी भाई 10 cos यहाँ से 30। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल के लिए सेम रहता है तो यह आ जाएगा 17.3 और 10 cos 30 sin 60 √3/2। तो पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको सॉल्व करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आ जाएगा cos 30 sin 60 √3/2। हाँ तो ये आ जाएगा 5 और ये पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17.3 और डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तुम देखो, अगर यहाँ से तुम मल्टीप्लाई करोगे 10 से ऊपर नीचे, अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे 10 से, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1730 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, एक काम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 173 तो नीचे आ जाएगा और यहाँ से तुम देखोगे 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये 173 ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बॉल जो है वो r डिस्टेंस कवर किया होगा और 2 सेकेंड में यहाँ से बिल्डिंग से नीचे भी आया, इस लाइन से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आने में 2 सेकेंड ही लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहता है। तो अब मैं बिल्डिंग की हाइट निकालनी तो मैं s इज इक्वल टू ut लगा देता हूँ y एक्सिस में, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT² लगा देता हूँ y एक्सिस में। अगर मैं इसको y एक्सिस में लगाया तो s की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 10 sin 30 है और टाइम अप्लाइड 2 सेकेंड -1/2 है और g की वैल्यू चलो मैं 10 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और t का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो यहाँ तुम देखोगे तो ये इसको 2 टाइम कट गया तो यहाँ से आ गया 20 और ये sin 31/2, ये तो 10 - 20 = -10 मीटर। -10 मीटर मतलब जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर आया होगा, मतलब ये हुआ कि हमारा ए ऑप्शन सही है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर होगी। थैंक यू।